और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, आर्यन खान को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है, कल के लिए उन्हें समन भेजा गया है। तो आपको बता दें बड़ी खबर, कल आर्यन खान को पहुंचना होगा एनसीबी के, एसआईटी की जांच चल रही है और उसी पूछताछ के तहत आर्यन खान को कल के लिए समन मिला। एनसीबी के डीडीजी संजय सिंह ने यह कहा है और उन्होंने कहा कि कल उनको आर्यन खान को समन भेजा गया है और कल उन्हें पूछताछ के लिए आना होगा। आपको बता दें संजय सिंह की अगुवाई में ही एसआईटी जांच कर रही है और उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया कि कल के लिए समन भेजा गया है आर्यन खान को और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। आर्यन खान को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ये बात संजय सिंह की तरफ से कहा गया। और जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या जानकारी, यानी कल पहुंचेंगे कि आज भी बुलाया गया था आर्यन खान को? जी देखिए, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो एसआईटी है संजय सिंह के में दिल्ली से मुंबई पहुंची थी, उसने आर्यन खान जो क्रूज पार्टी में आरोपी हैं और जो अरबाज मर्चेंट है जो आर्यन खान का दोस्त है, उन दोनों समेत कुल छह लोगों को समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया था। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज ही पूछताछ के लिए हाजिर होना था लेकिन किसी वजह से हाजिर नहीं हो पाए। लेकिन बड़ी खबर यही है कि आर्यन खान को फिर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एक बार से समन किया है। ये वो टीम है एसआईटी की जिसे कुल छह केस दिए गए हैं, जिसमें क्रूज ड्रग्स पार्टी केस है, उसके अलावा और भी छह केसेस हैं जिसकी जांच के लिए जो टीम है दिल्ली से वो पहुंची है, समन किया गया है और पूछताछ के लिए इनको बुलाया गया है। यानी बड़ी बात आप बता रहे हैं अरविंद ओझा, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। कि देखिए आर्यन खान को आज ही बुलाया गया था पूछताछ के लिए लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाए हैं और ऐसे में कल फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो जाहिर तौर पर जो समन जारी हुआ है वो कल के लिए, यानी कल आर्यन खान को पहुंचना होगा, जवाब देने होंगे उन सवालों के जो एसआईटी अब उनसे दागेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज।